फाइनली निकॉन ने वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स के लिए अपना नया 600mm f4 जी माउंट के लिए लेंस को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे नए लेंस की खूबियां, उसकी परफॉर्मेंस, शार्पनेस और स्पीड के बारे में बात करेंगे कि कैसे टफ कंडीशन में ये लेंस पहले से ज़्यादा बेहतर है। समय के साथ टेक्नोलॉजी पहले से हमेशा बेहतर होती जाती है, वैसे ही ये लेंस पहले के मुकाबले अपने पुराने भाई से 15% ज़्यादा हल्का बना दिया गया है और उससे पहले से ज़्यादा बेहतर है। अब आपको इसमें एक शॉर्ट वेव लेंथ रिफ्लेक्टिव लेंस के साथ साथ दो एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन एलिमेंट्स और एक सुपर ईडी एलिमेंट को इसमें प्लेस किया गया है, जो पहले से ज़्यादा शार्प, क्रोमेटिक एब्रेशन फ्री और फ्लेयर्स पे काफ़ी अच्छे से कंट्रोल्ड है। नाइकॉन की पेटेंट नाइकॉन एन नैनो क्रिस्टल कोट के साथ इसको फ्रंट एलिमेंट पर वाटर और ग्रीस रेप्लिट कोट को भी लगाया गया है, जिससे आपके फ्रंट एलिमेंट के ऊपर धूल या पानी के निशान पड़ने की समस्या अब पूरी तरह खत्म हो गई है और ये लेंस पूरी तरह वाटर रेसिस्टेंट भी है। अब इसमें 1.4x टेली कन्वर्टर फोटोग्राफर्स को वन क्लिक में इंस्टेंट 600mm से 840mm की बेहतरीन फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है, जो काफी ज्यादा जूम है। पर 1.4x टेली कन्वर्टर ऑन करते ही इसमें वाइडेस्ट एपर्चर f4.0 से 5.6 पर शिफ्ट हो जाएगा, पर आपको बैकग्राउंड सेपरेशन में कोई भी कमी या शार्पनेस में कमी देखने को नहीं मिलेगी। कैमरा को शूट करते टाइम फोटोग्राफर्स को व्यू फाइंडर से अब अपनी आंख हटाने की जरूरत नहीं होगी, बस एक सिंपल क्लिक से आप इस लेंस की फोकल लेंथ इंस्टेंट चेंज कर सकते हैं। 1.4x टेली कन्वर्टर खुद बेहतरीन एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन एलिमेंट के साथ आता है, जिसमें आपको पिक्चर क्वालिटी और शार्पनेस में कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्टिकल इंजीनियर से 1.4x टेली कन्वर्टर को इसी लेंस के साथ स्पेशली मैच करके डिजाइन किया गया है। इस लेंस में आप Z सीरीज का कोई भी दूसरा टेली कन्वर्टर लगा के इसकी फोकल लेंथ को 800mm से भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नाइकॉन 600mm में अभी तक सबसे एडवांस ऑटो फोकसिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसका नाम है SSVCM सिस्टम। सिल्की स्विफ्ट वॉइस क्वाइल मोटर सिस्टम एलिमेंट्स की मूवमेंट को बहुत तेज, शांत और बहुत एक्यूरेट करता है, जो पलक झपकते ही क्लोजेस्ट फोकल डिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर इसमें कुछ नैनो सेकेंड्स में ले जाता है। नाइकॉन के लेंस लाइनअप में ये मोटर सबसे तेज और शांत है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को शांत एनवायरनमेंट में काम करना ज़्यादा आसान लगता है। इस बार इस लेंस में मेन डायल्स फंक्शन बटन को इस तरह प्लेस किया गया है कि आप आग बंद करके भी आसानी से उसे ऑपरेट कर सकते हैं। जो लोग वाइल्ड लाइफ वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, वो सिनेमाटोग्राफी के लिए इसमें 49mm का ड्रॉप इन ND फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जो इनको वीडियोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, अगर आप कैमरे में सिंक्रो VR को एक्टिव कर देते हैं तो आपको लो लाइट में 5.5 स्टॉप, जी हाँ 5.5 स्टॉप की एक्स्ट्रा इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को भी मिलेगी। लो लाइट शटर स्पीड पर भी अब आप लो लाइट परफॉर्मेंस में बेहतर पैनिंग भी कर सकते हैं। और फाइनली वीडियो रैप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नाइकॉन के लेंस का प्राइस लगभग $15,999 के आसपास होने वाला है। इतने बड़े प्राइस के साथ आएगा और इसके महंगे लेंस को कैरी करने के लिए एक खूबसूरत आर्मर बैग भी निकॉन आपको अपनी तरफ से देगा, जिसमें लेंस का कोई वेयर टेयर ना हो। जो ये आर्मर बैग है, इतने कॉस्टली लेंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।